The contest of Hisar this time is uh, quite interesting. It's not a bipolar, usual BJP Congress contest. Uh, one of the richest women uh, in Asia, Savitri Jindalji, is here. She's a seasoned politician and she's fighting as an independent this time. Interesting story of how that happened, but uh, in Hisar at this moment,

आपका परिवार का बहुत बड़ा नाम है तो ऐसी क्या इस बार स्थिति बनी कि आपको एक इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है देखिए मैंने दस साल मैं पॉलिटिक्स के अंदर रही शुरू में जिंदल साहब चुनाव लड़ते थे उनके जाने के बाद मैं लोगों के बीच में आई और बीच में एक बार मैं चुनाव हार गई थी दो वाला उन्नीस में फिर मैंने चुनाव नहीं लड़ा अब क्या मेरे सभी लोगों का यही राय थी सबकी कि आपको चुनाव लड़ना है मेरे हार परिवार की तो अब क्या उनके कहने से मैं इस चुनावी मैदान में, में कोई पढ़ी मैं भी जब अंदर आ रहा था आपके ऑफिस में तो मैंने देखा एक तस्वीर है जिंदल साहब की राजीव गांधी के साथ बहुत साल पुराना आप लोगों का कांग्रेस का रिश्ता रहा पिछले चुनाव में हमने देखा कि उस वक्त आप नवीन जिंदल जी भी और आप भी बीजेपी में शामिल हुए और अब आप वापस इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं तो क्या ये इसको बगावत के तौर पर देखा जाए बीजेपी के खिलाफ और अगर आपको वापस आना था चुनाव लड़ने के लिए तो क्या कांग्रेस आपके लिए रास्ता नहीं था देखिए बगावत वाली कोई बात नहीं है बस मैंने जो अपने इशार परिवार के मेरे लोगों ने जो कहा मैंने उनका कहना माना उन लोगों का यही था कि हमें कुछ भी हो चुनाव लड़ना है तो आपको मालूम है कि बीजेपी से डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं और कांग्रेस से राणा साहब को टिकट मिली है तो मेरे लोगों ने यही कहा कि चुनाव लड़ना ही लड़ना छोड़ना नहीं है तो इंडिपेंडेंट के अलावा कोई चारा नहीं था तो मैं उनके कहने से कौन किसको आप अपनी मेन ऑपोजिशन या मेन टक्कर मान रही हैं कांग्रेस से आज सीधी लड़ाई है बीजेपी से सीधी लड़ाई है सार में देखिए कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं और ये मेरा चुनाव नहीं मेरी हिसार परिवार का चुनाव है वो लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं शायद चाहती थी कि आपको टिकट मिले लेकिन अपने कैंडिडेट का टिकट नहीं काट पाए तो अगर उनके कैंडिडेट कमजोर पड़ते हैं तो सावित्री जी जीत भी जाएंगे तो बीजेपी का समर्थन करेंगी नहीं अभी तक ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है और ये मेरा हिसार परिवार निर्णय लेगा कि क्या करना है मैं तो इस समय हिसार परिवार की तरफ से ही उनकी प्रत्याशी हूँ उन्होंने मुझे चुनाव मैदान में खड़ा किया है और वही मेरा चुनाव भी लड़ रहे हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आपके समर्थन की आवश्यकता हो तो? तो जो प्रभु इच्छा होगी देखिए ऐसा है